अस्सलाम वालेकुम, पॉपुलर न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबिया रफीक। आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में तजावुजात से मुतालिक केस पर अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तहरीरी फैसले में कहा है, कराची में गैर कानूनी इमारतों की भरमार है, इसकी जिम्मेदार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। SBSA अफसरान ने ज़ाती मुफाद के लिए शहर को तबाह कर दिया। शहर में हजारों गैर कानूनी इमारतें तामीर कर दी गई और अफसरान रिश्वत वसूल करते रहे। यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा अलामिये के मुताबिक दालों की कीमतों में 5 से 30 रुपए फी किलोग्राम तक कमी कर दी गई, जिसके बाद दाल चने की कीमत 167 रुपए फी किलो से कम होकर 160 रुपए हो गई, जबकि दाल मसूर की कीमत 135 से कम होकर 130 रुपए फी किलो कर दी गई। इसके अलावा मुख्तलिफ ब्रांड की कीमतें भी कम करके 200 रुपए फी किलो से 172 रुपए फी किलो तक कर दी गई। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध से कोई दहशतगर्द नहीं निकाला गया, बल्कि यहाँ दहशतगर्द लाए जाते हैं। कराची में ज़ेरे तरबियत असिस्टेंट कमिश्नर से मुलाकात के दौरान मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध बाबे इस्लाम है और सूफिया कराम की सरजमीन है। सिंध फितरी तौर पर सूफिया कराम की वजह से पुरअमन रहा। सिंध से कोई दहशतगर्द नहीं निकाला गया, दहशतगर्द यहाँ लाए गए हैं। दुनिया च देख किन्ना फैलिया हनेर है, तेरे सुरां नाल ही तां चढ़नी सवेर है। लाहौर विच पंच रोज़ा पंजाबी कॉन्फ्रेंस विच पाकिस्तान ते हिंदुस्तान नाल ताल्लुक रखन वाले वड्डे पंजाबी अदीब ते शुआरा ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस विच हिंदुस्तान, कैनेडा ते इंग्लैंड तो वड्डी तादाद नाल लोकां ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस विच शुरका ने पंजाबी जबान की खसूसियत ते अहमियत उत्ते जोर दिता। इस कॉन्फ्रेंस विच शुरका ने दुनिया विच खास तर हिंदुस्तान ते पाकिस्तान विच रहन वाले लोकां दे बाहमी प्यार ते मोहब्बत की अहमियत दे उत्ते जोर दिता। कॉन्फ्रेंस विच खिताब करदे होए मेहमाने खसूसी जनाब जस्टिस सैयद अफसल हैदर ने पंजाबी सूफी शुआरा की खुदा खौफी ते इंसानियत नाल उन्हां दी मोहब्बत नूं बयान कीता। इस मौका ते उन्हां दा कहना सी, 1947 विच असीं दूसरे दा कतल नहीं कीता, बल्कि शेख फरीद ते बाबा गुरु नानक दी तालीमात नूं कतल कीता। कॉन्फ्रेंस दे आखरी दिहाड़ शुरका नूं सिखां दे मुकद्दस मुकामात ननकाना साहब ते करतारपुर राहदारी दी ज़ियारत भी कराई गई। न्यूज़ रूम से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज़। इसके अलावा आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट popularnews.tv।